हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है। चलिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता दें कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है और पिछले साल जो पॉलिटेक्निक का जो स्टूडेंट पास हुए उनका कट ऑफ क्या था और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े ताकि आपको एग्जामिनेशन में कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे पी क्या होता है, पीएम क्या होता है और पीपीई और पीएमडी क्या होता है। एग्जाम का पूरी पैटर्न हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन करने की भी हम प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दें और हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि उस पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ का आपको जो भी लिंक है हम प्रोवाइड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पीई के बारे में, उसके बाद पीई के बारे में कौन फॉर्म भर सकता है, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और पिछले साल का कटअप कितना था और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से पीएम, पीई, पीपीई, पीएमडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बता दें जो पीई का कोर्स है पॉलिटेक्निक इंजीनियर किसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 3 वर्ष का आपको फुल कोर्स होता है। 3 वर्ष में आपका जो 6 सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम लिया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो 6 सेमेस्टर में आपको ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें वे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो लोग 10th पास कर चुके हैं और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपको पीई के बारे में। अब इसका हम सिलेबस हम आपको बता देते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्क्स रहता है 150 का। केमिस्ट्री से भी 30 और 150 मार्क्स का और मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 150 मार्क का, कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 450 मार्क का। अब आपको सिलेबस हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम आपको मैथ के बारे में बता देते हैं दोस्तों, बेसिक नॉलेज हम आपको दे देते हैं। टेंथ से रिलेटेड मैथ का क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 10th का एग्ज़ाम पास किए हैं और मैथ का चैप्टर देखे हैं, अलजेब्रा रहता है, सीक्वेंस एंड सीरीज रहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, इंडक्शन से ये आपका चैप्टर का नाम है, बायनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेशन एंड द देयर प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगोनोमेट्री, तो ये है मैथ का चैप्टर जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी हम आपको बता दें, केमिस्ट्री का यहाँ सॉरी दोस्तों ये है फिजिक्स का, यूनिट डायमेंशन से, स्केल एंड मेजरमेंट से, स्केलर से, वेक्टर से, लीनर मोशन से, ऑल ओवर मोशन से, जो भी आप 10th का बेसिक सिलेबस आप रट लीजिए, आप अच्छे रैंक ला पाइएगा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की पीई के लिए। ठीक है दोस्तों, अब केमिस्ट्री का भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये भी है वो सिलेबस, लगभग यही रहता है पीई के लिए, पीपीई के लिए और पीएमडी में, पीएमडी में भी। और आपको पीएम के बारे में अगर हम बात करें पीएम की, इसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैरामेडिकल, तो ये लगभग यही सिलेबस रहता है। तो सिलेबस आप ये कंटेस्ट कर ले कि इसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं पीपीई क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम पीएम के ही बारे में आपको बता देते हैं कि कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं और प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, पिछले साल का कटअप कितना था। दोस्तों, पिछले साल के कटअप की अगर हम बात करें तो इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं और इसमें कटअप नहीं होता, इसमें रैंक के हिसाब से आपका जितना अच्छा स्कोरिंग होता है उस हिसाब से आपको रैंक दिया जाता है। तो इसका लिंक हम दे दिए हैं नीचे में, वहाँ से जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पीएम के बारे में हम सीधे सीधे हम आपको बता दें, इसमें ये 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, पैरामेडिकल, और जो लोग 12th पास किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ, वे लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपका एज जो है मिनिमम, यानी कि 12th किए हैं और मैक्सिमम इसका कोई भी एज नहीं है। ठीक है दोस्तों, पीपीई के बारे में हम कुछ देख लेते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर, चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस हम आपको बता दें कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्र पाठ्यक्रम समूह पीपीई बिहार राज्य के अंतर्गत नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 में पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम में इसका होता है, यानी कि लगभग इसमें आपको बता दिया है कि 4 वर्ष का इसका कोर्स होता है। और जो हम सिलेबस हम आपको बताए हैं,
पीई का और पीपीई का सेम रहता है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पीएमडी की हम बात आप करेंगे, पैरामेडिकल डेंटल की, इसमें कौन कौन ये फॉर्म भर सकते थे, यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है, जो लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किए हैं वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, ट्वेल्थ जो किए हैं वही लोग ये फॉर्म पैरामेडिकल डेंटल वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हैं इसके और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें। यहाँ पे देखिए इसका ऑनलाइन का स्टार्टिंग डेट जो है 27/4/2019 इसका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज जो है 25 अप्रैल है और 27 अप्रैल के इसका ऑनलाइन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कैसे इसका ऑनलाइन हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म भरने वाले हैं, तो एक स्टूडेंट का हम आपको वन बाय वन करके बता देंगे कि कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दे दिया है पेमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बता दें किस कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ी लग रही है, क्योंकि कैटेगरीज वाइज और अगर चारों आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे पीई है, पीपीई है, पीएमडी है, चारों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो चारों के लिए कुल मिलाकर आपको 1150 रुपये पे करने होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैटेगरीज वाइज दे दिया है, जो अभ्यर्थी सामान्य यानी कि जनरल पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए 750 रुपये और DQ के लिए परीक्षा शुल्क सॉरी दोस्तों 480 रुपये लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किन्हीं दो पाठ्यक्रम समूह में अगर आपसे फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 850 रुपये लगेंगे। ठीक है, उसके बाद किन्हीं तीन पाठ्यक्रम में अगर तीनों आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 950, अगर चारों भरते हैं तो 1150 रुपये। ठीक है दोस्तों, और विकलांग कोटि के लिए 750 रुपये लगेंगे चारों के लिए। ये थी इन्फॉर्मेशन। इसमें 6 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, यहाँ पे स्टेप दे दिया है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको अपना फोटो अपलोड करना होता है, उसके बाद पर्सनल डिटेल डालना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होता है। ठीक है दोस्तों, सारा इन्फॉर्मेशन आपको जब इसका ऑनलाइन हो जाएगा, होने स्टार्ट हो जाएगा 27 से, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन की तिथि भी दे दिया है, पीई का और पीपीई का दोनों का एग्ज़ाम आपको 16/6/2019 रविवार को होगा, और पीएम और पीएमडी का 17/6/2019 सोमवार को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये दोस्तों ये फिक्स डेट नहीं है, यहाँ देखिए प्रोस्पोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तदला बदली भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका एडमिट का रिलीज होने का यहाँ पे तिथि भी देख सकते हैं, 4/6/2019 को इसका एग्ज़ाम का जो है एडमिट का रिलीज होने की चांसेस यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक हम दे दिए हैं, आपको कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सबका लिंक हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। और हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।